इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री बंजारलाल शर्मा सीएमओ में लगातार बैठकें ले रहे हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की मौजूदगी में ऊर्जा विभाग की बैठक हो रही है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी मौजूद है। ऊर्जा विभाग के एसीएस साथ साथ में एसीएस वित्त भी मौजूद है। नर्मद डिलेल और सीएमओ के अधिकारी मौजूद है। ऊर्जा विभाग के कामों की समीक्षा हो रही है। बैठक जारी है पिछले एक घंटे से और ऊर्जा विभाग बेहद महत्वपूर्ण मौजूदा प्रदेश में अगर राजस्थान के हिसाब से हम देखें तो, क्योंकि बहुत संकटों से गुजरा है। शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी करेक्ट हो गए हैं फोन लाइन पर, उनसे करेंगे बात। शशि, मुख्यमंत्री बंजारलाल शर्मा की सीएमओ में बैठक ऊर्जा विभाग के जारी, इससे जुड़ी क्या अपडेट्स? शशि आवाज मिल रही है मेरी आपको? जी आशीष आवाज मिल रही है। शशि क्या अपडेट्स हैं ऊर्जा विभाग में जारी इस बैठक से संबंधित? देखिए मुख्यमंत्री बंजारलाल शर्मा भी बैठक ले रहे हैं और इस बैठक में ऊर्जा विभाग की समीक्षा होनी है। हालांकि पिछले दिनों भी बिजली पानी और चिकित्सा को लेकर मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक ली थी, लेकिन आचार संहिता के दायरे में जो बैठक हुई वो तात्कालिक व्यवस्थाओं को लेकर के और गर्मी से राहत दिलाने को लेकर के थी। लेकिन अभी जो विभाग की समीक्षा है वो विभाग के पूरे कामकाज को लेकर है। सभी पावर प्लांट की क्या स्थिति है, पावर जनरेशन की क्या स्थिति है, विंड और सोलर एनर्जी को लेकर के क्या हालात बन रहे हैं और सोलर एनर्जी में और कितने नए निवेश की, कितने नए प्लांट्स के कमीशनिंग की संभावना है, जो प्लांट्स कमीशन हो गए हैं उनकी क्या स्थिति है, क्या सोलर एनर्जी जो घर घर रूफटॉप पे लगाने की स्कीम है उसकी रफ्तार रही है, कृषि कनेक्शनों को लेकर के क्या स्थिति रही है, साथ में अगर बिजली संकट के दौरान कहीं पर ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं, उसकी कंप्लेंट आती है तो उसको कितनी देर में बदला जा सकता है और उस काम में कैसे रफ्तार लाई जा सकती है, इसकी भी मुख्यमंत्री बंजारलाल शर्मा ने समीक्षा की है। इस बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत के साथ ही बिजली विभाग ऊर्जा विभाग के एसीएस आलोक, साथ में वित्त विभाग के एसीएस अखिल अरोड़ा मौजूद रहे। टीएमओ के सभी अधिकारी जिसमें एसीएस शिखर अग्रवाल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक अग्रवाल, आलोक गुप्ता, ये सभी शामिल हैं। खास बात यह है कि जो कुसुम योजना का तारतम्य है वो ऊर्जा विभाग में और कृषि विभाग में कैसे बैठाया जा सकता है इसको लेकर के भी बातचीत हुई है। किसानों को सही निर्बाध बिजली आपूर्ति हो सके, इंडस्ट्री को बेहतर समय में बिजली मिल सके, इसका मैनेजमेंट देखना है। आपको ध्यान होगा जो एनर्जी एक्सचेंज है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, उससे बिजली खरीद की दरों को लेकर पिछली सरकार के समय पाबंदी लगी थी। 10 रुपए पर यूनिट से ज्यादा खरीदने पर पाबंदी लग गई थी, लेकिन पिछले दिनों मुख्यमंत्री बंजारलाल शर्मा ने उसमें भी रिलैक्सेशन दिया है और जनता को ये राहत दी है कि अगर जरूरत हो, बिजली संकट की स्थिति है तो 10 रुपए यूनिट से ज्यादा की रेट में भी बिजली खरीद हो सकती है, ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री बंजारलाल ने दिए हैं। अभी भी बिजली के जो ट्रांसफार्मर खराब हो जा रहे हैं उनको लेकर समयबद्ध तरीके से काम करने पर मुख्यमंत्री ने जोर दिया है और अभी जानकारी और आ जाएगी, लेकिन संभावना इसी की जताई जा रही है, संभवतः 72 घंटे से कम समय में खराब ट्रांसफार्मर बदलने के निर्देश दिए जा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका शशिन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण फैसला, खराब ट्रांसफार्मर बदलने के निर्देश किसी वक्त दिए जा सकते हैं और एक तय समय में इन सभी को बदला जाएगा, ये अपने आप में बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी इस बैठक से जुड़ी निकलकर सामने आई है जो हमारे सहयोगी शशि आप तक पहुंचा रहे थे। ऊर्जा विभाग की बेहद महत्वपूर्ण बैठक।